आज मैं जा रहा हूँ एक इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियो बनाने के लिए, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं वीडियो क्रिएटर भी है। मैं वैसे मिल लिए अपन फाइनली, तो उसके लिए थैंक यू सब्सक्राइबर हो गए होने वाले, तो मेरा ये ब्लॉग आपका आना है। स्टार्टिंग के 10 की बहुत हार्ड है, मेहनत बहुत हार्ड, मेरे को 7 साल लग गया। मेरे को भी गाइस 1 साल तो लगा था। भिवंडी तो बहुत अच्छा है ना अपने वाली, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ ना, आज लेग्स मार के आए, दुख रहा है, मैं टीका लगा रहा हूँ, इसलिए टीका लगाए खड़े हैं। घमंड वाली बात नहीं है, बहुत सही क्या। अरे कैसे भीड़ लगा लिए हुए तुम लोग, कराऊँ बात कराऊँ दुकान मेरा फ्लैग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? भाई लेकिन वो बहुत डाउन टू अर्थ है यार, वाकई में बहुत डाउन टू अर्थ। तुम लोगों ने देखा उनको भिवंडी का क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तुम लोगों ने देखा भाई धड़कन की आवाज़ आ रही है। चालू है। तो हेलो माय लवली फ्रेंड, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है विद न्यू व्लॉग। हेलो माय लवली फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ? देखो मेरे चैनल पे कम से कम 200 से ज्यादा मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, मगर आज तक मैंने किसी के भी साथ, किसी भी क्रिएटर के साथ या किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ या किसी भी सेलिब्रिटी के साथ वीडियो नहीं बनाया है। मगर आज मैं जा रहा हूँ एक इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियो बनाने के लिए, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं, जो एक वीडियो क्रिएटर भी है और एक टीम का मेंबर भी है, एक ऐसी टीम जो अपने पैन इंडिया में फेमस है। बोले तो कौन? अपना टीम 07 चलते। और हाँ एक बात और, मैं आज उनके पास जाकर उनसे बात कर उनसे ये भी पूछूंगा कि उनको भिवंडी का क्या पसंद है, मतलब भिवंडी में क्या चीज़ ऐसी जो आपको पसंद आती है। तो चलो ना चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मैन वैसे मिल लिए अपन फाइनली, इस्तेफाक की बात है कि ये कार के अंदर बैठे हुए थे, हम लोगों को दिख गए, नहीं तो यहाँ दिखते नहीं। इस्तेफाक अचानक मिल गया ना, जो भिवंडी में आप लोगों को चाहते हैं। भिवंडी ढाबा एक नंबर खाना मस्त, भिवंडी का इंशाल्लाह बर्थडे में। हाँ आपके बर्थडे में भिवंडी में आने वाले, तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है मेरा खुद का अपना, 10K सब्सक्राइबर अभी क्या बात है माशाल्लाह, तो उसके लिए 10K सब्सक्राइबर हो गए होने वाले, तो मेरा ये ब्लॉग आपका आना है। स्टार्टिंग के 10 की बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, मेरे को 7 साल लग गया। मेरे को भी गाइस 1 साल तो लगा था भिवंडी के लिए थोड़ा सा प्यार। भिवंडी तो बहुत अच्छा है ना अपने वाली, आपके रिलेटिव से शायद भिवंडी में रहते मैंने सुना है ना, नहीं खा रहा। आप बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ ना, आज लेग्स मार के आए, निकल नहीं पा रहे, लेकिन फाइनली वो हमारे लिए कार से बाहर निकल के बाहर आए। दुख रहा है, मैं टीका लगा रहा हूँ, इसलिए टीका लगाए खड़े है। ये इनका प्यार है भाई, बहुत डाउन टू अर्थ ऐसा लगता है अपने को, बहुत पॉश लोग है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं भाई, नहीं हम लोग अर्थ पे खड़े हैं। हाँ ऐसा स्टैंड टू अर्थ है भाई, ऐसा नहीं है कुछ घमंड वाली बात नहीं है, बहुत सही आपका। अभी वो फैसु भाई का देख रहा था ना वीडियो, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। हाँ साथ में आपने जो बोला वो अलग ही बोला मैंने। एक सोशल मीडिया एक फेक लाइफ है गाइस, बात तो सही है। जोसेफ लोग अच्छा बता रहे हैं, ये मैं भी बोलना चाह रहा हूं, जोसेफ अच्छा ही अच्छा बताते हैं। मैं शॉर्ट हो गए तुम तो थोड़ा। हां ठीक है, शादी की उम्र तुम्हारी हुई लेकिन सद्दू सेम आंसर है, हसनैन जो बोला एकदम परफेक्ट है, मैं उस पे एग्री करता हूं। सही बात है, सही बात बोले वो लोग, फेक हो गए इसके लिए मैं ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया ज्यादा। हंसी भी स्क्रिप्टेड रहती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका दिल बहुत अच्छा। कब हंसना है कब नहीं हंसना, एकदम सही बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई, वेलकम, खुदा हाफिज़ भाई। अरे कैसे भीड़ लगा लिए हुए तुम लोग, कराऊं बात कराऊं दुकान मेरा फ्लैग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? इस माइक लो वाली रखो जो अंदर तुम्हारे लिए पकड़ा गया है। हां मैं भी हूं, मैं अच्छा हूँ, आप बहुत अच्छा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। आप कैसे हो छोटी? तो फाइनली हम लोग हसनैन भाई से मिल कर आए, जो तुम लोग देख सकते, तुम लोग को देख के मजा ही आया, कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो वाकई में डाउन टू अर्थ है। मैं थक गया, ये स्टैचू के ऊपर ही हाथ रख लेता हूँ,
भाई लेकिन वो बहुत डाउन टू अर्थ है यार, वाकई में बहुत डाउन टू अर्थ है। और मैं उनके बारे में और क्या क्या बताऊँ तेरे को, मतलब तुम लोगों ने देखा उनको भिवंडी का क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तुम लोगों ने देखा। और वो भाई धड़कन की आवाज़ आ रही है, दिस इज अ फेक स्टैचू। ये आप लोग, मैं देखो ये सब स्क्रिप्टेड था, मैं जानता हूँ इनको, ये गोल्डन भाई गोल्डन बॉय है ना, आप बहुत अच्छे भाई इनके। अच्छा जो अभी जो केस हुआ था आपके साथ ही हुआ था जो भाई, वो बहुत गलत हुआ था, मैंने देखा था वो वीडियो और मैंने स्टोरी भी डाली थी, शेयर भी किया था, जिनके साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था। बट भाई बहुत आपके अंदर टैलेंट है, मैं गले लग सकता हूँ ना, लग सकता हूँ ना भाई, बहुत टैलेंट है भाई। ऐसे काफ़ी देर से खड़े हैं, मैं पहले वहाँ से देखा ऐसा लगा रियल स्टैचू है, मगर मैं समझ गया, याद आ गया मेरे को कि ये गोल्डन बॉय। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, देखो हम उनसे मिल के आ रहे हैं। मैं एक बात बोलूँ भाई, वाकई में बहुत हम्बल आदमी है, उनकी जगह उनकी टीम का कोई और होता तो इतनी आसानी से रुक के हमसे इतनी देर तक बात नहीं करता, क्योंकि उनके बात करने के पैसे लगते भाई। और मैंने उनसे जब बात करी उसके बाद, उन्होंने वीडियो होने के बाद लेना, तो उन्होंने मेरे को बोला भी कि यार उनका एड्रेस मैं शेयर ना करूँ, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आके वीडियो मतलब वीडियो जो ख़त्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आकर बना रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि मेरा एड्रेस किसी को शेयर मत करना, तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने सारे सीन वीडियो में से काट दिए, नहीं तो मैं पूरा ब्लॉग बनाया था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये सिटी है और सब, मतलब ब्लॉग बनाया था, लेकिन मैं डाल नहीं सकता, उन्होंने मेरे को अच्छे से मना किया, तो क्यों डालेंगे यार, क्यों किसी का एड्रेस रिवील करना, लोग परेशान करेंगे जा जाके उनको। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर हाँ, मेरे 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, जो इनको पसंद करते हो वो भी शेयर करो, जो हमें पसंद करते हो वो शेयर करो, वीडियो 10K सब्सक्राइबर करवाओ यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे यार और मेरे उस्ताद। वहाँ देखिए यार वो क्या आ रहा है, पहले वो देखिए यार क्या रहे यार, क्या गा रहे हैं, अंदर गई, एक नंबर कार है यार, येलो कलर की बहुत प्यारी कार, तो अंदर जाके खड़ी है वहाँ पे एंट्री पे। ओह माय गॉड, देख ही चुके हैं। तो आज हम लोग वहाँ चलेंगे और फिलहाल मेरी गाड़ी पे कोई खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है, मुझे ये देख कर खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी इतनी अच्छी है कि अपनी गाड़ी के साथ कोई फोटो क्लिक करवाता है, अभी भी क्लिक करवा रहा पर जान दो। हाँ तो आज हम लोग चलेंगे कहाँ, वहीं जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं हसनैन के घर।